इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस की जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। भाजपा ने कहा है कि इस बार हर बूथ मोदी बूथ होगा, क्योंकि हर इलाके के लोग मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर बूथ मोदी बूथ होगा, हर बूथ को जीतने का प्रयास भाजपा का रहेगा। उन्होंने खजुराहो सीट पर उनके खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी ना खड़ा कर गठबंधन का सपा प्रत्याशी उतारने पर कहा कि कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई है, अपाख सपाख का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस भाग गई मैदान छोड़कर के, और अपाख सपा का तो देखिए ऐसा है कि हाँ न कोई अस्तित्व है और न किसी प्रकार की उनकी कोई यहाँ उपस्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ती है। हमारा कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम से प्रत्येक बूथ पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी की चिंता नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।